वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख इतिहास का सरमाया देख रहे सारे ही दर्शकों का मैं हरमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। पुरातन पंजाब अते अजोके पंजाब नू उसारन ते निखारन विच अनेक महान शख्सियतों ने समय समय योगदान पाया है। वख वख खेत्रां विच माण मतियां प्राप्तियां हासिल करके पंजाब का गौरव उच्चा किया है। ते अज असी सिख राज दे संस्थापक लासानी योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर बारे गल करन जा रहे हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक लासानी कमाल सी जो कोई अफसाना नहीं बल्कि हड मास दा एक सचमुच दा इंसान सी जो एक धरती ते जीविया विचारिया ते शहीद होया। पहली वार अते असल खालसा राज कायम करन दा माण इस महान सिख जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर अते उस दे साथियों दा बनता है। पंजाब दी 700 साल दी विदेशी गुलामी नू खत्म करन दा सहरा इसे महान निधड़क जरनैल अते इस दे साथियां दे सिर बचदा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर दा जन्म 27 अक्तूबर 1670 दे दिन कश्मीर दे पुणा जिला दे पिंड रजौड़ी विखे बाबा रामदेव दे घर होया। बाबा बंदा सिंह बहादुर दा बचपन दा नाम लक्ष्मण देव सी। छोटे होंदे शिकार का शौक सी। हिरने दी शिकार दी घटना ने उन्हां दे जीवन विच तब्दीली लै आंदी। लक्ष्मण दास जोगी औगड़नाथ दा चेला बन के माधोदास बनिया। माधोदास ने दक्षण विच गोदावरी दे कंडे डेरा स्थापित कर लिया। रिद्धियां सिद्धियां प्राप्तियां होण करके आसे पासे दे इलाके विच उसकी बहुत प्रसिद्धि हो गई। गुरु गोबिंद सिंह जी जद दक्षण वल गए तो माधोदास बिरागी दे डेरे विच गए। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मिलण उपरंत माधोदास का जीवन ही बदल गया। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी ने नादेड़ विखे माधोदास नूं अमृत छका के बाबा बंदा सिंह बहादुर का रूप दिता अते खालसे का आगू थाप के जालमां नूं सोधण लई पंजाब भेजिया। गुरु साहिब ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल पांच सिंह भाई विनोद सिंह भाई कहन सिंह भाई बात सिंह भाई दया सिंह भाई रण सिंह नाल एक नगारा एक निशान साहिब पांच तीर अते एक खंडा भी दिता। इस तो इलावा बाबा बंदा सिंह बहादुर का हर संघर्ष विच साथ देण लई गुरु जी ने भी सिंह होर नाल भेजे। गुरु साहिब ने माझे मालवे दे सिंघां दा नाम हुक्मनामे भेजे जिन्हां विच बंदा सिंह बहादुर की सहायता करन बारे लिखिया होया सी। सिंघां नूं गुरु साहिब दे हुक्मनामे मिलदिया ही सिंघ बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल आ रले। बाबा बंदा सिंह ने 11 नवंबर 1709 ईस्वी नूं समाणा फतेह करके फिर सोनीपत कैंथल कुड़ाम ठसका शाबाद कपूरी ते सडोरा फतेह किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहंद फतेह करके जालमां नूं सजा दित्ती सी जिन्हां ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी नूं नीहां विच चिण के शहीद किया सी अते जिन्हां कारण बिरध माता गुजरी जी ठंडे बुरज विच ही शहीदी पा गई सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर अते नवाब सरहंद वजीर खां दीआं फौजां दा टाकरा 12 मई 1710 ईस्वी नूं चप्पड़चिड़ी दे स्थान ते होया जो सरहंद तो 12 कोह दी विथ ते खरड़ लांडरा सड़क उत्ते स्थित है। इस लड़ाई विच सूबा सरहंद मारिया गया अते खालसे दी फतेह हुई। सिख फौजां 13 मई नूं सरहंद पहुँच गईआं अते 14 मई 1710 ईस्वी नूं खालसा राज की स्थापना करके भाई फतेह सिंह नूं समाणा अते भाई बाज सिंह नूं सरहंद दा सूबेदार थापिया गया। एक घटना भारत के इतिहास में 700 साल बाद वापरी सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मुखलिसपुर लोगण नूं खालसा राज की राजधानी बना के गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी के नाँ का सिक्का अते मोहर जारी की। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वाहिकारा नूं जमीन दे मालक बनाया अते आजाद लोक राज की स्थापना की। बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन में बहुत सारिया घटनावां वापरियां ते अखीर गुरदास नंगल के युद्ध में 8 महीने के घेरे तो बाद बाबा जी ने उन्होंने 740 सिंघां समेत गिरफ्तार करके पहला लाहौर ते फिर दिल्ली ले जाया गया।
दिल्ली विखे हर रोज़ बाबा जी दे 100 साथियों नू शहीद किया जाता सी, पर इन्हां विच्चों किसी एक सिंह ने भी इस्लाम कबूल ना किया। आखिर 9 जून 1716 ईस्वी नू बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 3 सालों के पुत्र बाबा अजय सिंह जी नू टुकड़े टुकड़े करके शहीद कर दिता गया। ते फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नू असहत ते अकहत तसीए दे के शहीद किया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे शहादत भी एक अनोखी शहादत है। बाबा बंदा सिंह बहादुर वालों स्थापित खालसा राज दे 300 साल सरहंद फतेह दिवस से भारत सरकार दे डाक तार विभाग वालों 12, 13, 14 मई 2010 ईस्वी नू बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल संबंधित 3 विशेष डाक कवर जारी किए गए सन। अज के सिख इतिहास के सरमाया के एना ही। हुण मैनू दिओ इजाज़त। धन्यवाद।